हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट. और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो हमें नंबर्स हैं उसमें कौन सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है. तो पहला हमें दिया है -4.5 इंटू 1 और 1 इंटू -4.5, और दोनों मिलाकर बात क्या है, -4.5 ही है. तो यहाँ पर क्या है हमारा, 1 जो है दोनों में कॉमन है. अब अगर हम इसे a इंटू इसे b ले लेते हैं, 1 को, यहाँ पर वही बात है, ये b हो गया और ये a हो गया. a इंटू b लिखो या b इंटू a लिखो, हमें आंसर सेम ही मिलने वाला है. तो यहाँ पर ऐसी जब चीज़ आती है, ऐसी सिचुएशन आती है जब a इंटू b है इक्वल टू b इंटू a है, तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट. नेक्स्ट देखेंगे -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17. यहाँ भी वही केस है, ये ए है, सपोज ये बी मैंने कंसिडर किया है, ये बी है, इसे ए किया है, क्योंकि क्या है, यहाँ ए जो है वो यहाँ पर हमें दिया है. सेम वही है, ए इंटू बी किया, सेकेंड में बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में. तो यहाँ भी ऊपर वाले जैसा ही केस है, तो ये भी क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट. और लास्ट में हमें दिया है जो -19/29 इंटू -29/19, और दोनों मिलाकर क्या हो रहा है, 1 आ रहा है. तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें हमने यही किया था, जो फ्रैक्शन दिया है इसके जस्ट रेसिप्रोकल से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1 एज अ आंसर, राइट. तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की है. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिर्फ यही बताना था कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है या यूज़ करनी पड़ेगी इसे सॉल्व करने के लिए, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है. फॉर द क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट.